आंसू रह जाए अखियों में, बीते जाए पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। तुम लोग कहीं जा रहे हो? बताया तो नहीं मुझे। जहाँ से आए थे आपा वहीं जा रहे हैं वापस, पर जाना तो था ना आपा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पीछे कुछ ऐसा रहा नहीं जिसके लिए वापस आने की ख्वाहिश करें। वो इसी शहर में रहता है ना, आते जाते कहीं ना किसी रास्ते में फिर टकराएगा, बार बार टकराएगा। तुम ये कहकर कब तक अपना दामन बचाती रहोगी कि तुम उसे नहीं जानती? क्यों नहीं खुले दिल से तस्लीम कर लेती कि तुम उसे जानती हो और वो तुम्हारी यादों का हिस्सा है? शायद शायद इस तरह मान लेने से तुम लोग अपनी जिंदगी आसान कर पाओ। ये बात हो सकती है, अफान के दिल में ये ख्याल आया हो कि मैंने खुद सिकंदर को वहां पर बुलाया है। लेकिन नहीं, वो ऐसे बेवकूफ नहीं है कि ऐसा सोचे कि मैं सिकंदर को वहां पर बुलाऊंगी। सिकंदर उसकी आंखों में झलकते जज्बात किसी से नहीं छुपे रह सकते। अफान ने तो बदगुमान होना ही था ना। तुम मुझे क्यों नहीं भूल जाते? क्या करूं? नरमीन, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे बैठी थी, मैं डर गई। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ नदीम के साथ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ। तुम घर का ख्याल रखो। जी बेहतर। और अगर मूड ना हो तो आराम कर लेना, काम मत करना, ठीक है? इतने दिनों में तुम ये भी भूल गए कि घर में एक बूढ़ी माँ जवान बहन अकेली पड़ी हुई है, कैसे गुजारा कर रही होंगी? और माँ भी कौन, जिसने ऐन जवानी के आलम में बेबगी में तुम्हें इतनी मेहनत से मुसीबतों से पाल पोस के बड़ा किया है। ऐसे तो ना थे सिकंदर, ऐसे ना थे तो क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। इंसान कभी भी खुद से बदलता नहीं है, उसके हालात उसे बदल गए। क्या हालात हो गए तुम्हारे? ऐसे ठाट बाट से अपनी सास और अपनी बीवी के साथ उस घर में रह रहे हो और उस पे भी तुम्हें दो मिनट नहीं मिलते कि तुम माँ को कॉल कर लो। ठीक कह रही हो, लेकिन ये इंतखाब भी तो आपके ही था। आप ही चाहती थी कि मैं ये हजारों की नौकरी छोड़कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, कोई हो मेरी जिंदगी में जो मुझे बिठाकर खिलाए पिलाए। अब जाहिर है जो मेरे साथ ये करेगा बदले में कुछ खुश आएगा। क्या जताना चाह रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। अब जाने की जल्दी मत करना, शाम तक इधर ही रुकना। क्या मतलब? क्यों? क्या बीवी ने मना कर दिया है तुम्हें रुकने से? प्लीज आप इस बात का पीछा छोड़ दीजिए, बताइए तो सही क्यों? शाम को वो सायमा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि तुम हो वहाँ पे। बहन है तुम्हारी, तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है, समझे? सना मेरी बात तो सुन लो। सना, अरे क्या हो गया यार तुम? कम ऑन सना प्लीज। इन्हें क्या हो गया? दोनों में कुछ झगड़ा ना हो गया? क्या कह रही हैं आप? ऐसे ही हो। हाजरा बहुत मोहब्बत करने वाली औरत, अब तुम्हें तो बहुत चाहती है। जाने दे मामा, ऐसी छलकती मोहब्बत मुझे तो नजर नहीं आई। आपने कैसे फील कर?
देखो सुमैया, कंदर के लिए तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। सॉरी मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शादी के बाद चंद दिन मैं वहां पर रही थी, उस औरत को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। आप चाहती हैं कि उन दोनों माँ बेटियों को मैं यहाँ ले आऊं? नेवर। मेरे पास इतना हौसला है? मैया, अभी तुम इन बातों को नहीं समझ, तुम्हें अंदाजा नहीं है बाद में यही औरत तुम्हें बहुत सहारा देगी। क्या मतलब? ये जिंदगी कितनी समझ नहीं है। हाजरा एक समझदार और दाना खातून, मेरे बात तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। औकात से सुना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। तुम्हें जिंदगी की हकीकत के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं चली जाऊं? बेटा, दोनों को यहाँ लाने में हरज ही क्या है? और फिर तुम देख तो रही अंदर कैसा उखड़ा उखड़ा सर है। उसकी अम्मा और बहन यहाँ आ जाएंगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। मामा, मैंने आपसे कहा है मैं उन्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, अगर उसकी माँ उसको यहाँ से ले गई तो क्या करूँ? भूल है आपकी, सिकंदर अब कहीं नहीं जाएगा। दौलत के जिस हसीन जाल में आपने उसे गिरफ्तार किया है ना, वो कहीं पर नहीं आएगा। आप जाने की बात कर रही हैं, तो रही बात माँ बेटी, वो रहे अपने पुराने घर में, मैं और सिकंदर इस घर में रहेंगे। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे मैं उन्हें भिजवा दिया करूंगी ताकि उनका गुजारा हो जाए। मैंने सिकंदर को बोला भी था सिर्फ ड्रॉप करके आना। सिकंदर, कहाँ रह गए हो? सना, क्या हो गया यार, इतनी सी बात पे दिल छोटा नहीं करता। ये इतनी सी बात है तुम्हारे नजदीक? इतनी सी बात है ये? नदीन, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, बेमायने, बेफायदा। सना यार, इतनी जज्बाती मत, ये कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं है या फिर कोई आखिरी डॉक्टर नहीं है, किसी और से कंसल्ट करेंगे, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आप, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। सना, पागल है, अल्लाह से बड़ा डॉक्टर है कोई? मुझे यकीन है वो हमें औलाद देगा। देखो सना, बांझपन कोई ला इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, कोई ना कोई इलाज होगा इसका। कितनी मन्नतें मानी थी मैंने, हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तुम इतनी नाउम्मीद क्यों हो रही हो? हम कराएंगे ना इलाज। 4 साल हो गए हमारी शादी को, इन 4 सालों में कौन से डॉक्टर, कौन से गायनोकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट से हमने मशवरा नहीं किया? सबका एक ही जवाब, कि हमारे औलाद नहीं हो सकते। और उन्हीं सब ने ये भी कहा कि किसी भी वक्त कोई भी मौजजा हो सकता है। देखो सना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है वो हमें औलाद देगा, प्लीज। मेरा दिल आज बहुत मायूस है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल चाह रहा मैं अपने आप को मार दूं। क्या बेवकूफी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना नदीम? नहीं नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो, अल्लाह ताला हमें औलाद दे ना दे, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। देखो तुम, ये बच्चे वाली बात, हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, किसी से शेयर मत करना प्लीज। Just try and understand. देखो मुझे ऑफिस जाना होगा, आफान भाई की दूसरी दफा कॉल आएगी, तुम अपना ख्याल रखना।
पता नहीं क्यों सिकंदर, पर मुझे लगा जैसे तुम नरमीन को अभी भूले नहीं हो। हाँ, तुम मुझे शायद इस बात की सजा दे रहे हो कि मैंने तुम्हारी शादी नरमीन से नहीं कराई। अब ऐसा क्यों सोच रही? ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये तो नहीं सोचा था सिकंदर कि सुमैया तुम्हें इस तरह से मुझसे छीन के ले जाएगी। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी न थी। रहम हो जाए, कोई मुझे आपसे नहीं छीन रहा है, यही हूँ आपके पास। सोचती हूँ अगर तुम्हारी शादी वाकई नरमीन से हो जाती तो हालात जैसे भी होते, तुम कम से कम मेरे पास तो होते, यहाँ अपने घर में तो होते। मुझे यूं तुम्हारी बीवी से तुम्हें उधार मांग कर तो लाना पड़ता। गॉड सेक समी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं था सिकंदर, शायद किसी भी माँ को अंदाजा नहीं होता कि वो अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। इसका अंदाजा तो तब होता है जब बेटा उससे दूर हो जाता है। सुनिए की कॉल होगी, उठा लो। बता दो उसे कि शाम को वलिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उनसे मिलकर आ जाओगे। हाँ बोलो, रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। बाय। आप मिल लीजिएगा उनसे और अच्छे से मिलिए, साथ में लिया को भी समझा दीजिएगा मैं कॉल करती रहेगी अगर आप आ रहे हैं। ये कुछ आपके खर्चे के लिए पैसे लेकर आया था, रख लीजिए आपके काम आए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे, बेटे के बदले में पैसे। ठीक, जा रहा हूँ वापस। ये दोनों मियां बीवी कुछ अजीब से लगते हैं, न जाने क्यों ऐसा फील होता है कि ये वो नहीं है जो नजर आते हैं। अफान ने सुबह से कॉल नहीं की है, मुझे खुद कॉल करनी चाहिए उनको। तुमने मेरी जिंदगी में आके हमेशा मुश्किलात ही खड़ी की हैं। क्या होता कि तुम मुझे देख के ठटकते नहीं, फान को कुछ भी पता ना चलता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे, बेटे के बदले में पैसे। अम्मी ने कभी भी मेरी मुश्किलात को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा कि उन्हें ही तरजीह दूँ मैं, जबकि सुमैया जैसी मुश्किल लड़की से शादी करने का फैसला भी उन्हीं का था। जब तक घर नहीं पहुंचूंगा पागलों की तरह फोन करती रहेगी। हाँ सुमैया, रास्ते में हूँ, बस घर पहुंच रहा हूँ। अब क्या करूँ, उड़ के तो नहीं आ सकता। सिकंदर, मुझे बात करनी है। अमीन, तुमने मुझे कॉल किया मतलब कि तुम सब खैरियत तो है ना? बस ये कहने के लिए कॉल किए कि मुझे खैरियत से रहने दो। क्या क्या मतलब है अमीन, अब मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया लेकिन बहुत कुछ कर डाला। तुम क्या कह रही हो?
हम दोनों अलग अलग रास्तों पे नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। क्या ये बात बार बार दोहराना जरूरी है? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो कुछ तकदीर ने हमसे चाहा हम सिर्फ वही करें। क्या मतलब? हम अब कहीं भी मिले तो सिर्फ दो अजनबियों की तरह मिले। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए शहनाई की पहचान भी ना हो। बस 5 मिनट में यादें रह जाए सखियों में। खराब खाना बनाए, तुम खाना पकाना भूल गई हो क्या? ये कहें अब्बा कि अभी पकाना सीख रही हैं। मैं विश हाँ तो पहले तो सारे काम निम्मो खाले ही करनी थी। हाँ हाँ, मैं तो हाथों पैरों पर मेहंदी लगा कर बैठी हुई होती थी। जिनिका ने बीमार वाला खाना, मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। देख रहे हो औलाद किसी बिगड़ती जा रही है, तो तुम यूं करो, ये उठा मेरे मुंह पर मारो। खा क्यों रहे हो, बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? अरे अकीला, तुम बात को दूसरी तरफ मत घुमाया करो। मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। इससे बेहतर था कि गालियां दे देते, मगर ये ना कर। बोलो बोलो जो दिल में है बोल दो। अकीला तुम खाम खा बात को बढ़ा रही हो। हाँ मेरे लिए भी। अब खाना क्या मैं गली में फेंक दूँ? देख रहे हो औलाद कैसे बिगड़ती जा रही तुम्हारी। ऐसे ही होते हैं आजकल के बच्चे भाई। हालांकि बहुत दिल से बनाया था मैंने खाना, अब कहो तो कुछ और बना दूँ, ऑमलेट बना दूँ। नहीं नहीं, मैं खा चुका बस। अब क्या खाया तुमने? कुछ भी तो नहीं खाया। बस जितनी भूख थी उतना खा लिया मैंने। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बाहर जाकर खाओगे? नहीं भाई, एक जरूरी काम से एक शख्स से मिलना है मुझे, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। जहीर, जहीर के अंदाज तो बड़े दिनों से बदले बदले देख रही हूँ, और उस नरमीन को तो देखो, इतने दिनों में पलट कर पूछा ही नहीं एहसान फरामोश ने। वैसे सालम बहुत ही बुरा बना। सुमैया, तुम क्यों इस तरह रो रही हो यार? इस वक्त तुम्हें रोने के बजाय आंटी के लिए दुआ करनी चाहिए। तुम देखना इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक होके वापस आ जाएंगी। आवाज आते हुए जिन नजरों से मुझे देख रही थी, पता नहीं क्यों मुझे लगा हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। ओ बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि आंटी बहुत जल्द ठीक होकर आएंगी, मेरा दिल कह रहा है। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल भी तुम्हें यही कहेगा। तुम देखना चंद ही दिनों में आंटी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वापस होंगी हम दोनों के दरमियान यहाँ पर, और हम लोग बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे उनके साथ इंशाल्लाह ताला। परेशान हो रही, are you feeling better? Good. चलो तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिलाओ। काफी रात हो गई है, आप लेटेंगे नहीं? नहीं मुझे भी नींद नहीं, आप सो रहे हैं? सोने थे। मुझे इस तरह नींद नहीं आती। मैं आज यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकी। क्यों? ड्राइवर तो घर पे ही था। हाँ था, लेकिन मुझे तो आपके साथ जाना था ना। कहा तो था आपसे कि आज मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस जल्दी जाना है, लेट हो गया था। एक गिलास पानी मिल जाएगा?
नरमीन, 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 क्या हुआ? नरमीन उठो, उठो, नदीम, नदीम, डॉक्टर को बुलाओ। Even I have a good news for you. आपको सुन के अच्छा ही लगेगा। जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। She is expecting. ऐसा कैसे हो सकता है? ये माँ कैसे बन सकती है? चलो, क्या बात है? क्या हो गया इनको? ये अचानक इस तरह बेहोश क्यों हो गए? परेशानी की कोई बात नहीं है। Even I have a good news for you. आपको सुन के अच्छा ही लगेगा। जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। She is expecting. असल में ये काफी वीक हैं। शायद इसी वजह से चक्कर आकर बेहोश हो गई। आप इनकी डाइट का ख्याल रखा करें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये माँ कैसे बन सकती है? ये क्यों नहीं माँ बन सकती? क्या आप लोगों ने इनका कहीं पहले भी टेस्ट करवाया है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर वो एक्चुअली इनके शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, डेढ़ माह तो हुए हैं। तो क्या हुआ, ये तो अल्लाह की रहमत है। कई लोग तो सालों इंतजार करते हैं फिर भी ये वक्त नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह जब चाहता है उनको खुशखबरी दे देता है। इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। आप इनका मुकम्मल चेकअप करवाइएगा और इनके डाइट का स्पेशली ख्याल रखिएगा। इनको खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि किसी किस्म की भी टेंशन इनके लिए मुनासिब नहीं। वैसे भी ये बहुत वीक हैं। जी, मैं समझ गया। मैं इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हूँ। आइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नरमीन। वो तो डॉक्टर साहिबा के सामने मैंने यूं ही बात रखने को कह दिया डेढ़ माह। एक महीने से दो चार दिन ही ऊपर हुए होंगे ना, या कम है ना? अरे 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 अरे, क्या कर रही हैं आप? लेटी रहिए, आराम कर लीजिए। और आप मुझसे मिले बगैर चले जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या करते? कुछ भी ना करते, अपनी बेगम साहिबा से मिलके जाते। ये बेगम साहिबा के उठने का इंतजार करते रहते हैं। जब तक आप उठ नहीं जाती तब तक नहीं जाते। नरमीन, आप नहीं जाते, आपको नहीं पता कि मेरे लिए आपकी क्या अहमियत है, आपसे मुझे क्या खुशी मिली है। वो खुशी जो दुनिया में कोई मुझे नहीं दे सकता था, वो अल्लाह पाक ने आपके जरिए मुझे दी है। ये तस्वीर ही मुझे हंसा देता है कि इस घर में बच्चों की आवाजें गूंजेंगी, शोर करेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इसका। नदीम भाई और सना भाभी की शादी को कितने साल हो गए? 4-1 साल तो हो गए दोनों की शादी को, लेकिन दोनों ठीक हैं, सेहतमंद भी हैं, लेकिन अल्लाह को शायद नहीं मंजूर। कोई मसला भी तो हो सकता है? नहीं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल पॉजिटिव आई हैं, दोनों ठीक हैं। या यूं कह लो कि शायद हमारे बच्चे को इस घर में पहले आना। आप खुश तो हैं ना? बहुत खुश हूँ, बहुत से भी ज्यादा खुश हूँ। अपनी उम्र का ख्याल नहीं होता ना, तो अभी खड़ा होकर नाचने लगता, डांस करता। अब आपकी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है। हाँ, मगर उतनी कम भी नहीं है कि मैं डांस करूं। क्या बात, क्यों देख रही हो ऐसे? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं, कुछ कहना है तो कहो। नहीं, कुछ दिनों से आपका रवैया बदला बदला सा था मेरे साथ तो। हाँ, ठीक कहती हो, लेकिन I'm sorry।
मैं अपने उस रवैये पे तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैं चलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम में जल्दी आऊंगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक ठीक है। क्या बात, तबीयत ठीक है तुम्हें? सुबह तुमने नाश्ता नहीं किया और कब से बाहर बैठी हो? जी नहीं चाह रहा। खैर तो है, नरमीन की तरह कहीं तुम्हें भी वो जी ना चाहने वाली बीमारी तो नहीं लग गई? और वैसे आज नरमीन बड़े नखरे दिखा रही थी भाईजान को टेबल पे। एक तो उनकी जोड़ी इतनी मिसमैच, ऊपर से ये हरकत, इट्स रियली रिडिकुलस। कम ऑन यार, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ। लग नहीं रहा। उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ाना है तुम्हें। नहीं उड़ाओगे तो कौन उड़ाएगा? कम ऑन सना, क्या हो गया तुम्हें? तुम सना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये तो सिर्फ ऊपर से, अंदर का जला तो कोई देख ही नहीं सकता। उफ़ ओ भाई, क्या पागलपन है ये, तुम तो जरूरत से ज्यादा टची हो रही हो। देखो बच्चा, अफान भाई का हो या हमारा, एक ही बात है। और वैसे भी इसकी वजह से हम पे से लोगों की नजर हट जाएगी। और तुम ये नहीं सोचते कि उनके यहाँ बच्चा होने का क्या मतलब है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तमाम जायदाद, दौलत, बैंक बैलेंस, सब कुछ उस बच्चे के नाम और उस चुड़ैल नरमीन के नाम हो जाएगा जिसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। और हम सिर्फ मुलाजिम बन के रह जाएंगे, बच्चे पालने वाले और घर संभालने वाले, समझे तुम? अब क्या कर सकते, ये खुदा के काम है, अब हम तो इसमें लड़ भी नहीं सकते। इतनी जल्दी तुम हिम्मत कैसे हार सकते? क्या मतलब? जिस तरह हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, बेशक इसी तरह अफान भाई के यहाँ भी कभी भी बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलें खुदा हाफिज़। अगर उस दिन सिकंदर आ जाता, उन लोगों से मिल लेता, तो शायद उनका जवाब ये ना होता। ओ, तो इनकार कर दिया उन्होंने? मुझे तो पहले ही पता था ऐसे ही कोई जवाब आने वाला है। शायद आपने ही कोई दिल में आस बांध ली थी, वरना तो मुझे उसी दिन उनके रवैये से अंदाजा हो गया था कि किस तरह का जवाब आएगा। सलमा। अम्मा, आप कुछ भी कहें, बहरहाल ये सिकंदर भाई की सास की मेहरबानी थी कि हमारी मलिहा का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो गया। और अगर आज मलिहा अपने घर में खुश है ना, तो सिर्फ आंटी हाशमी की वजह से। और मुझे इसकी कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, ये कोई नहीं जानता। अम्मा, भाई का फोन आया था, भाई को यहाँ पर आना चाहिए था। मैंने परसों रात में उनको फोन किया था, वो कह भी रहे थे कि वो जरूर आएंगे। तुमने उसे फोन क्यों किया? क्या जरूरत थी उसकी मिन्नत समाजत करने की? अम्मा, मेरा भाई है वो, मैंने कोई मिन्नत नहीं की, सिर्फ आने को कहा है। वो पूरे का पूरा बीवी का गुलाम हो चुका है, कोई फायदा नहीं उसे कुछ भी कहने का। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मेरे बारे में इतना जहर उगल रही? सिकंदर, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। ये लोग ना सिर्फ एहसान फरामोश हैं, बल्कि कभी किसी से खुश भी नहीं हो सकते। चलो भाभी, सुमैया भाभी बात सुने, भाभी
भाभी बात तो सुने, भाभी भाभी बात तो सुने, भाभी अम्मी कहाँ जा रही हैं? बाहर। बाहर कहाँ? तुम तो अजाब आती हो कभी कभी मेरे लिए। कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, वो खरीदने जा रही हूँ। मैं भी चलूँ? चलो। 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। कोई फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, तैयारियां करने जा रही हो। चलो ऐसे ही। आ रही हूँ मैं 5 मिनट में बस। दुपट्टा पहन कर आना, हर जगह मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं होती। तुम ही बताओ मुझे मैं क्या करूँ। देखो ये शादी मैंने अम्मी की पसंद से की, अगर इसकी जगह नरमीन होती और वो अम्मी से ऐसी बदतमीजी करती तो तब जिम्मेदार मैं होता ना। लेकिन अब इस सिचुएशन में तो अम्मी शिकायत करने के तमाम मौके खो बैठी, और फिर अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके हाथों से निकल गया हूँ तो मुझे बता दें, मैं सुमैया को छोड़ दूँ। ना करे भाई, क्या हो गया है आपको? तो क्या करूँ मैं साइमा, थक गया हूँ, इंसान हूँ मैं भी। अम्मी से मिलने के लिए जब भी आता हूँ उनके तंज और ताने खत्म ही नहीं होते, और सुमैया की किसी बात को वो बर्दाश्त कर ही नहीं रही, पिस के रह गया हूँ। भाई इसका तो फिर एक ही हल है। हाँ तो तुम बता दो इसका क्या हल। भाई अगर आप भाभी को तनी अम्मा मानेंगी या नहीं। साइमा तुम बताओ तो सही, मैं और अम्मा अगर आपके साथ चलें कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम हम आपके साथ उधर जाकर रह लें, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एक प्रपोजल रखा था। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप परेशान नहीं हो, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अम्मी से मिल ले आकर यहाँ से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सच में बहुत मिस करती हैं, बहुत परेशान रहती हैं इसी वजह से आपके लिए। तो फिर उन्हें मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहिए जब भी मैं उनसे मिलने के लिए। अच्छा भाई मैं उन्हें समझाऊंगी, लेकिन आप उनसे मिलने को आ जाया करें, यदि से कॉल कर लिया करें। कोशिश करूंगा। सिकंदर आप अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, मैं चली जाती हूँ। मैं आ रहा हूँ। मुझे इस तरह इंतजार करने की आदत नहीं। अच्छा मुझे मैं जा रहा हूँ, तुम समझा लेना। अच्छा। नहीं सर अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, अभी थोड़ी देर पहले तो पिया था। जो खुशखबरी तुमने हमें सुनाई है उसके बाद हम तुम्हारे तमाम नखरे आराम से सही हैं। अरे भाई खुशकिस्मत है लोग, ऐसे नाज नखरे उठाने के लिए ना लोग आगे पीछे फिर रहे, फिर भी बात नहीं मानी जा रही। आप आ गई, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको याद ही कर रही थी। बैठी खुदा लगती कहूंगी है, ऐसे मुँह दिखावे वाली बातें मुझे ना कभी करने आई। नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत याद कर रही थी आपको, बहुत मिलने का दिल चाह रहा था। हाँ हाँ तो मैं भी मजाक कर रही हूँ, मैं कौन सा दिल से कह रही हूँ। वैसे भी ख्याल आया मुझे, इतने दिन हो गए, मैं नरमीन जब से भी आकर गई है मैंने उसे देखा नहीं, जरा जाकर उसे देख कर आऊँ, उसका घर बार है भाई, हाल अवाल सब पूछ कर आऊँ। वैसे लगता है टाइम पर आई हूँ, कोई खुशखबरी की बात है। जी आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप, आप खाला बनने वाली हैं। खुदा ने मेरी बहन पर अपना फजल किया, मैं खुश नसीब हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी उसका करम है तुम पर, छोटी बात नहीं है। वरना ऐसे लोग जिनके दुख से उनके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले जाए, सुना है वो कभी फूलते फूलते नहीं है। कुछ नसीब हो, अल्लाह का करम है, अल्लाह की शान है, मुबारकबाद ही दे सकती। नहीं हरगिज नहीं, मैं अपनी घर की प्राइवेसी में किसी तीसरे इंसान को शामिल नहीं कर सकती। सुमैया शायद तुम ये बात भूल रही हो कि शादी से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं यहाँ पर आकर इस घर में रहूं। मैं तो सिर्फ आंटी की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ पर आकर रह रहा हूँ। वरना क्या, बात पूरी करो, तुम अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहते ना? मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी माँ और मेरी मॉम में जमीन आसमान का फर्क है, अगर तुम भूल नहीं रहे तो। अच्छा क्या फर्क है तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में, जरा मुझे भी बताओ। मेरी मॉम
करोड़ों का ये बंगला, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से बढ़कर अपनी इतनी कीमती बेटी तुम्हारे हवाले कर गई, जबकि तुम्हारी माँ तुम अब ज्यादती कर रही। ज्यादती करना बुरी बात है और ये तुम मानते हो, जबकि हाजरा आंटी उन्होंने तो पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसा किया है। तुमने अपने कानों से नहीं सुना था वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया और पता नहीं क्या क्या। समझने की कोशिश करो, वो माँ है ना, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। अगर किसी भी कैफियत में उन्होंने इस तरह की कोई बात कर दी तो कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए। ठीक है, वो मेरे बारे में जो राय रखती हैं रखें। आई डैम केयर, मुझे गलत बात सुनने की आदत नहीं है और ना ही मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूं। और करूं भी तो क्यों, मुझे किस चीज की कमी है? उसका बोलने से पहले ये तो सोच लो कि वो मेरी माँ है। सिकंदर प्लीज अब इस बहस को खत्म करो, मेरे इस घर में कोई आकर नहीं रहेगा। तुम उन्हें जितना मंथली भेजना चाहते हो भेजो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। और अब हमें अपनी लाइफ को सेटल करना है, ना कि दूसरों की। सुनैया देखो, तुम समझ नहीं रही हो, बात जो है वो असल में थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, इस वजह से ये सब कुछ हो। अदरवाइज ऐसा। मॉम की कॉल आ रही है। जी मॉम। आप ये लीजिए ना। बस बस बस, मुझे इतना खाना था खा लिया मैंने। और उस बेवफा इंसान को तो देखो, सुहेल को जान लड़ा दी मैंने तुम दोनों को पालने के लिए, इतनी कुर्बानियां दी, मैं अपना दिल तो नहीं मोड़ सकती तुम दोनों। कितने फोन किए मैंने उसे, कितने फोन किए, पैसे मांग रही थी मैं उसे, खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन कर रही थी, मजाल की उसने मेरा एक फोन उठाया। आपा मुझे भी उन्होंने जाने के बाद सिर्फ एक ही कॉल की है। बस बीबी हमसे अच्छी तो तुम ही रही हैं, सब कुछ कर कर आने के बाद भी भाई की मंजूरे नजर तुम ही रही, कुर्बानियां दे देकर घिस गई मैं, लेकिन सबसे बुरी मैं ही बनी। चलती हूँ मैं। आप थोड़ी देर बैठिए ना। नहीं नहीं बस बस, अब जाना चाहती हूँ मैं, जहीर आने वाला होगा और उस महवेश को तो बुला, उसका दिल नहीं भरा अभी घर देखते देखते। उसको मेरे पास छोड़ देना, मैं ड्रॉप करवा दूंगी। और तुम्हारा ख्याल है मैं उसे यहाँ छोड़ कर जाऊंगी तुम्हारे पास। मुझे माफ करना नरवीन, बहनों तुम मेरी, माशाल्लाह से बड़ी हो गई हो, घर बार वाली हो गई हो, इंसान खमासी उसे कभी नहीं छोड़ता। ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जिससे तुम्हारा दिल दुखे, पर ये भी सच कि अल्लाह ने मुझे सच बोलने की तौफीक हमेशा दी है। बुला कर लाती हूँ। हाँ भाई बुलाओ, देर हो रही है मुझे। हमने तो कुछ कभी जिंदगी में खाया ही नहीं है। भाई ने फोन किया, जैसे मैं तो ऐसे सड़क पे पड़ी थी ना। सुमैया को सिर्फ ये फिक्र होगी कि उसका खरीदा हुआ गुलाम कई रस्सियां तोड़वा कर भाग न जाए। काश तुम थोड़ी सी जुर्रत कर लेती, मेरा साथ दे देती तो आज मैं ऐसी खोखली जिंदगी में जी। धड़कन ने पुकारा।
फिक्र न, तो अभी तक तुम अपनी पहली मोहब्बत का रंग दिल से निकाल नहीं सकते। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। भूल चुके होते तो यूँ जबरदस्ती की मुस्कुराहट ना होती तुम्हारे फेस पर। हम क्यों जाएं उसके घर, जब वो हमें पसंद ही नहीं करती तो हम क्यों उसके सर पे जाकर सवार हो? मुझे तो लगता है कि ये सिकंदर हमसे इंतकाम ले रहा है नरमीन वाले वाकये का। तुमने सुहेल और उसकी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए मेरा जो इस्तेमाल किया है ना, मुझे अपने आप से घिनाने लगी है। अब इतनी सी बात को तुम दिल से लगाए बैठे? मेरा किरदार, मेरी इज्जत, मेरी गैरत, इनकी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे नजदीक। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।